एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पंबासा में स्थित निरियावली गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने ब्रह्मा देवी को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 7000 की आबादी व 4300 वोटर वाले इस गाँव के ब्लॉक से दूरी 16 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 21 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 220 बच्चे शिक्षा करने आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 21 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 4 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 140 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 35 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। इसी के साथ गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में शमशान घाट, पंचायत घर, कन्या इंटर कॉलेज, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र निरियावली बोल रहा हूँ, ब्लॉक पमासा, ग्राम पंचायत निरियावली रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पानी की समस्या अधिकतर ज़्यादा परेशानी है। लोगों के ढोर डंगर प्यासे रहते हैं, लोगों के ढोर डंगर जब प्यासे रहते हैं, तालाबों में पानी नहीं है, लोग हमसे आके शिकायत करते हैं। हमारे अगर खाते में पैसा आता तो हम नल लगवा देते, विधायकों के खाते में पैसा जाता है, विधायकों 82 गांव हैं, 50-60 नल विधायक के खाते में आते हैं तो एक एक नल प्रधानों को भी नहीं मिल पाता। जो भी जितने भी धनराशि आई उसमें हमने जहाँ नाली खरंजा, जहाँ लोगों की आवश्यकता है वहाँ हमने निर्माण काम कराए हैं और पानी की ज़्यादा समस्या है तो हेडपम्प या वो टंकी लगनी चाहिए, जो कि लोगों की पानी की समस्या ख़त्म होनी चाहिए। और स्कूल पर शौचालय टंकी फिटिंग आदि कार्य हमने कराया है और भविष्य में जो भी समस्या जिन लोगों को आएगी हर बात को हर वक्त तैयार है, ईमानदारी से कार्य करे हैं और करेंगे। शमशान में जो बोदा भला आदमी ख़त्म हो जाता है, बारिश पड़ रही है तो हमारे गांव में दोनों निरियावली में जायदपुर में शमशान की आवश्यकता जरूरी है, या शमशान घाट बन के टीन पर है या लेंटर पर है, तो कोई बोधा आदमी अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको जो है गंगा जी ना पहुंच पाते हैं, तो शमशान घाट में अगर समस्या ये समाधान हो जाएगा तो गरीब आदमी की वहीं गत क्रिया कर सकते हैं। जो तो मुख्यमंत्री जी से मेरा इतना अनुरोध है कि जितना गांव में पानी की टंकी और हेडपंप जो होते हैं सरकारी और शमशान घाट, तो हेडपंप का पैसा अगर प्रधान के खाते में आएगा तो हम जिस आदमी को परेशानी और आवश्यकता है उसकी परेशानी हम ख़त्म कर सकते हैं। और जो भी गांव में के कार्य हैं, गांव में बीपीएल सूची जो सन 2011 वाली जो बीपीएल सूची हमारे गांव की नहीं आई, हमारे गांव में कोई प्रधानमंत्री योजना का आवास आज तक नहीं मिला है। हम ढूंढते परेशान हो गए, जब हमें नहीं मिली तो जब लोग हमारे पास शिकायत करना आए तो हमने जो है का एक सूची बना के ब्लॉक में दी थी। आज तक कोई भी आवास, गरीब आदमी परेशान है, आते हैं कि प्रधान जी हमें आवास नहीं मिलो, प्रधान जी हमारा काम नहीं होगा। भैया जब बीपीएल सूची नहीं आई तो हम तुम्हारा कहाँ से आवास बनवा दें, हमने सूची बना के भेज दी है, जब ऊपर से कोई नियम आएगा तो हम तुम्हारा आवास बनवाएं। मुकेश कुमार, ग्राम पंचायत निरियावली से बिलोंग करता हूँ।
और आप यहाँ पे खड़े देख रहे हैं, ये रास्ते का निर्माण कराया है सीसी टाइल्स का। पहले बहुत गड्ढे और बहुत मतलब दिक्कत थी रास्ते की, स्कूल पे आने को बच्चों को समस्या होती थी। प्रधान जी ने इसको मद्देनजर रखते हुए रास्ते को अच्छा कराया है और भविष्य में भी अच्छे काम कराए हैं, कराते रहेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि गांव में आजकल वाटर लेवल कम हो गया है, अब प्रधान से सब मांग करते हैं नल की। यदि प्रधान जी के अगर कोठे में, प्रधान जी के अंडर में अगर नल की व्यवस्था हो जाए तो गांव में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आप हमारी समस्या को मद्देनजर रखते हुए, हमारी भावना को समझते हुए प्रधान के खाते में नल भेजें तो गाँव में वाटर लेवल की समस्या से जूझ रहे किसानों को परेशानी कम हो जाएगी। इसीलिए प्रधान लोग क्या करें, जब विधायकों की कोठे में नल आ रहे हैं तो वो तो नहीं दे पाते ग्राम पंचायत के लिए। तो हमें उम्मीद है कि अगर प्रधान के कोठे में आएंगे तो नल की समस्या और पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी जो भी अगर कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में, सब कुछ ठीक है। और इस ग्राम पंचायत में बड़ा वो है, यहाँ पर अगर केला देवी लगता है, अगर यहाँ पर कन्या इंटर कॉलेज बन जाए तो काफ़ी कन्याओं के लिए पढ़ाई की सुविधा हो जाएगी। यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर तक स्कूल हैं, जो यहाँ की कन्याएं, यहाँ की लड़कियाँ 8th क्लास से 10th नहीं कर पाती। यदि यहाँ पे कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण हो जाए तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो समय से और अच्छी ये से अपने मतलब शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।